make maps. ये कमबैक वाला फीलिंग आ रहा है. पिछले एक महीने से लग रहा था कि छुट्टी पे था या फिर गायब हो गया था. अचानक से वापस फिर से YouTube की दुनिया में तो फील हो रहा है कि कमबैक. एनीवेज, एक महीना हो चुका है ऑलमोस्ट और एक महीने के बाद ये मैं अपना वीडियो जो है शूट कर रहा हूँ. लास्ट मैं वीडियो में आया था आई गेस 17 अगस्त को आप लोगों ने देखा था. एंड थैंक यू वेरी मच लास्ट वीडियो को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए. आज का बेसिकली कुछ ज़्यादा प्लान है, कुछ खास नहीं है. मैं हम सॉरी अगर घर काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप दिख रहा है. तो मैंने रिलोकेट भी कर लिया, अपना फ्लैट चेंज कर लिया, बहुत कुछ हो गया इन एक महीनों में. तो इसीलिए पिछले एक महीने से मैं गायब था. कि वैसे मैं कोई फूड ब्लॉगर हूँ नहीं, खाना बहुत पसंद है बट डाइजेस्टिव सिस्टम का माशाल्लाह इतना बढ़िया हाल है कि मैं ज़्यादा कुछ बाहर का खा नहीं पाता. बट आज फाइनली प्लान किया है कि जब लखनवी हैं और कोलकाता आए हैं या कुछ लखनऊ का भी ट्राई कर लिया जाए. सो आज का डेस्टिनेशन है और 1590 क्यों है पता नहीं, कि तो वहीं पर जाके ही मालूम करते हैं. सो एज यू ऑल नो कि GoPro है नहीं मेरे पास, तो इसके बाद डायरेक्टली वहीं पे और एक नए चेहरे के साथ. चलो सब लोग वेलकम करो. एंड एक्सपेक्टेड जितना था उससे कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है मेरे ख्याल से. मुझे यही लगा था यार कि आएंगे और किसी चेंज नहीं जाएगा. तो दिस इज द वेटिंग टाइम एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द लाइट. अगर लाइट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ का एम्बियंस ही ऐसा है एंड इट्स अमेजिंग. मुझे नहीं पता आप लोगों को ये म्यूजिक सुनाई दे रहा है कि नहीं. पूरा मतलब वो मुगलों के ज़माने का बिल्कुल फील है. तो थीम वाइज अभी तक मुझे 5 मिनट हुआ है वो भी वेटिंग एरिया में मैं बैठा हुआ. यहाँ पे थीम वाइज तो बेटर है बट अब उधर जाके देखते हैं कि मतलब मेन इंडियन वो कैसा है. तो मैंने बाहर से झलक लिया है, अच्छा लग रहा है. आप लोगों को भी दिखा. जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स. सॉरी आप लोगों के सेकेंड्स का है. वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स. पहले जो वेटिंग टाइम इनका 10 मिनट का था जो कि ऑलरेडी 15 मिनट हो चुका है. 5 मिनट का ये 5 मिनट कितने देर लगता है. और दो मैं अभी तक कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ. थोड़ा सा आई गेस छोटा है अंदर या तो फिर थोड़ा सा स्लो है या तो फिर कुछ ज़्यादा ही फेमस है. जगह नहीं है जो भी है जैसा भी है बहुत तेज लगा है और सीट नहीं मिल रहा है. मजाक नहीं सही में बोलते हैं. सो फाइनली 15 मिनट्स वेट के बाद टेबल मिल गया है. एंड मैंने आते आते बहुत तेज लगी थी तो गलौट बहुत मैंने ऑर्डर कर दिया. नाउ इफ यू आर फ्रॉम लखनऊ शरबत में गुलाब शरबत मिल जाएगा. एक गुलाब और एक आम. आम शरबत नहीं आम खास होते हैं. मैंगो पानी आम सर वो सीजनेबल मैंगो सीजन आम का एक गुलाब शरबत आम का कर सो वेरे वॉस कि हाँ अगर आप लखनऊ से हो तो आपको बहुत अच्छे से ही पता होगा कि गलौटी कबाब क्या है. सो आई एम वेटिंग फॉर इट. लखनऊ में टुंडई अमेजिंग, दे आर डिलीशियस. देखते हैं कि और कैसा है. बेसिकली ये 1590 में बन मतलब खुला था यहाँ पे और लखनऊ से कोई तो आया था उन्होंने खोला था. आप चेक कर सकते हो गूगल पे, डिटेल्स अवेलेबल है. But I'm especially here for the taste. Now let's see how the taste is. And I'm extremely sorry अगर आवाज़ ख़राब आ रही है तो क्योंकि गला बैठा हुआ है काफ़ी दिनों से, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है हो रही है. But अगर आप लोग म्यूज़िक सुनाई दे रही है तो म्यूज़िक इज अमेजिंग, एम्बियंस इज अमेजिंग. लाइट और लो है, I'm extremely sorry for that. But overall, I like this place. Now let's see. खाना कैसा है. Even the glasses are. ये तांबा है. ये तांबा है. कॉपर है. कॉपर. And one more interesting thing, यहाँ पे hand sanitizer भी.
क्या है कि अच्छा क्योंकि काफी रेस्टोरेंट्स में नहीं है. एंड बेसिकली मैं ये शॉर्टलेक वाले आउटलेट में आया हूँ, शॉर्टलेक में सेक्टर वन में है कोलकाता में, और भी इसके आउटलेट्स हैं. सो बेसिकली दिस इज द कबाब, जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, ये मेरी रुमाली रोटी और ये सैलड, प्याज ही है आई गेस, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है. एंड आप कंपेयर नहीं कर सकते बेसिकली. ये बिल्कुल वो लग रहा है रुआब्जा, ये रुआब्जा है नहीं, इससे है ये गुलाब का पता नहीं क्या. हाँ यार ये रुआब्जा ही है, रुआब्जा भी गुलाब का ही. देखो इस बार रुआब्जा काफी एक्सपेंसिव पड़ गया है. बिल में वीडियो का लास्ट में दिखाऊंगा. तो अगर मुझे खाते हुए देखना आपको इंटरेस्ट नहीं भी लग रहा है तो मुझे आपको देखना पड़ेगा. इनका कबाब और इनका बिरयानी ज़्यादा फेमस है. कबाब मैंने आते आते ऑर्डर कर लिया था बिना मेन्यू देखे, बिरयानी मेन्यू देखने के बाद ऑर्डर कर लिया. लखनवी टेस्ट तो नहीं है बट टेस्ट अमेजिंग है, डिफरेंट है, अमेजिंग. कबाब ना उतना ज़्यादा तीखा है ना उतना ज़्यादा फीका है, परफेक्ट. बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि खाते खाते बात नहीं करती, लेकिन मैं कर रहा हूँ. I'm really happy and extremely thankful for the for your support to the last video जो इंडिपेंडेंस डे के लिए था, वो अनएक्सपेक्टेड था मेरे. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, कोशिश रहेगी कि इसी तरीके से मैं वीडियो लाता रहूँ. एक्चुअली लास्ट वन मंथ से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था अपने घर के शिफ्टिंग को लेकर. मैंने अपने अपार्टमेंट शिफ्ट किया है, मैं बेसिकली कोलकाता में रेंट में रहता हूँ अपनी फैमिली के साथ. तो कुछ ऐसे रीजन्स थे जिनकी वजह से मुझे अपना अपार्टमेंट शिफ्ट करना पड़ा, तो इसीलिए मैं उसी में बहुत ज़्यादा बिजी था. मैं सिर्फ वीकेंड्स पे ही शूट कर पाता, हर एक वीकेंड जा रहा था घर ढूंढने में, और जो वीकेंड बचा उसमें फिर घर शिफ्ट करने में. दिस इज दी हांडी, दिस इज हाउ दे सर्व द बिरयानी, इट्स रियली इंटरेस्टिंग. बहुत गर्म है भाई, नीचे उसके साथ ही दे देते सही में, बहुत खाने से ज़्यादा तो देखने में मज़ा आता है. लाइट इतनी ज़्यादा कम है कि मैं हर एक चीज़ दिखा नहीं सकता, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. ये ज़रूर बता सकता हूँ कि हाउ इनके यहाँ का स्पाइस इतना स्पाइस्ड है कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगता है. ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा नमक हो गया, एक्स्ट्रा मसाला हो गया, एक्स्ट्रा मिर्ची हो गया ना, रायता तो नहीं होता. बेसिकली मुझे पसंद नहीं आया है. बिरयानी बेसिकली इज अमेजिंग थिंग. बाकी मैं डिनर कर लूँ उसके बाद मिलता. स्पीड जैसे यहाँ तक हो गया, स्पीड यहाँ तक होता नहीं है, यही पे करता हूँ जैसे, लेकिन बाहर आ गया. और ये बोल के सुनने में मज़ा नहीं है. अगर आप कोलकाता में हो या अगर प्लान कर रहे हो कोलकाता का, या फिर अगर आप नियर बाय हो और दिस द प्लेस जहाँ पे आपको सही
कौन सी या फिर मुगलाई चीज़ या फिर टेस्ट आपको मिल सकता है मुगल और इंडियन से संबंधित, मतलब क्या ही कहना है इंडियन से। और सही में मुझे ये ग्लास बिल्कुल मतलब मज़ा ही आ गया। अगर ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट नहीं होता तो शायद मैं एक ग्लास जेब में भी रखूँ। मजाक कर रहा हूँ, नहीं करता ऐसा, करना भी नहीं चाहिए वैसा, करना भी मत अगर सोच रहे हो। सो बेसिकली ये व्यू मेरे सीट से ही है। सो इट्स टाइम टू पे द बिल, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके इंतज़ार में शायद बहुत लोग बैठे हैं। वह ये है, ये बिल दिखाऊंगा बाद में, वेट कीजिए भी, दिखाऊंगा जरूर, ऐसा नहीं कि दिखाऊंगा नहीं। आपको पता है तकेशी जो बोलता है करता है, जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता है। यहाँ फीडबैक फॉर्म भी है, अगर आपको कुछ नहीं पसंद है तो आप वो भी लिख सकते हैं। और हाँ ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बॉक्स या क्या, बट ये बड़ा अमेजिंग सा लगा मुझे। नीचे नंबर है, मैंने नंबर ढक दिया, अगर किसी को पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ सकता है। तो दिस इज द बेसिकली द फीडबैक फॉर्म फ्रॉम बैक टू बुक। एंड जो बिल में दिखाने वाला था वो है ये, यू कैन सी द बिल, 1032 रुपये का बिल आया है। आप पॉज करके चेक कर सकते हो क्या क्या मैंने ऑर्डर किया था खाने के लिए, बाकी तो मैंने बता ही दिया था आपको। तो बस आज का वीडियो यही तक था, मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा है, टेक गुड बाय, लव यू ऑल, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Yeah.